हाय दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्टार्ट हो गई है और ये हमारी तीसरी वीडियो है और ये वीडियो जो है वो थर्ड हम बनाने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि फाइबर के ऊपर कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं हमें। पहली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि फाइबर के अकाउंट ब्लॉक क्यों होते हैं और इसकी क्या वजूहत हो सकती है। सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग का ओवरव्यू दिया था कि कौन सी बेस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग, पर हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब जो हम जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ई कॉमर्स और वेबसाइट डेवलपिंग के रिलेटेड। और इसके अंदर हम गेमिंग डेवलपमेंट भी आ जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आ जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहरहाल हम सेकेंड कैटेगरी जो फाइबर के ऊपर सर्विस सेल हो रही हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। और इसमें जो है टोटल कैटेगरीज हैं जो वो मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल कैटेगरीज इसमें हैं 12। वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट मेंटेनेंस है, ई ए डेवलपमेंट है, चैटबॉट है और डेवलपमेंट है और गेमिंग डेवलपमेंट के बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बाद जो है आपको ऐप डेवलपमेंट या स्मार्ट वॉच डेवलपमेंट या VRI हैंडसेट डेवलपमेंट एक्सेप्ट कैटेगरी है इसकी। और इसी तरह स्पोर्ट और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, चौके रिव्यूज़ हैं और उसके अलावा मिसकैलकुलेशन है। तो हम ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट के ऊपर बात करेंगे, वेबसाइट के ऊपर हम क्या क्या चीज़ें सेल कर सकते हैं या वेबसाइट किस तरह बनानी है, उसको कैसे डिवेल्प करना है, इसमें कौन सी कोडिंग करनी है या उसके पेजेस कैसे डिज़ाइन करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर आ जाएंगी। सेकेंड जो इसकी कैटेगरी है वो वर्ड प्रेस है। वर्ड प्रेस के अंदर मोस्टली वेबसाइटें बन रही हैं पर लोग आजकल पाइथन भी यूज़ कर रहे हैं। वर्ड प्रेस के बाद शॉपिफाई है, विग्स है, कस्टम वेबसाइट है, गो डैडी की वेबसाइट है। ये मोस्टली जो प्लेटफॉर्म है ये ई कॉमर्स के रिलेटेड है और ये ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। मोस्टली लोगों को पता नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ये काम है कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं जो मार्केट में सेल कर देते हैं और मोस्टली वो प्रोडक्ट आपका नहीं होता, या आप अलीबाबा से प्रोडक्ट उठाए आपने और शॉपिंग पे सेल कर दिए या विक्स पे सेल कर दिए या गोडैडी पे चले गए या मास्टर के ऊपर चले गए, तो उस वक्त ये जो कंडीशंस होती हैं इसका अप्लाई करने का जो तरीकाकार होता है वो बड़ा इजी होता है और इसमें प्रोडक्ट हंटिंग भी आ जाता है और प्रोडक्ट इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट इस वक्त हम बनाते हैं तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशनें आती हैं। फॉर एग्जांपल एरर्स आ रहे होते हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एरर्स के बाद हम AI के ऊपर अगर हम डेवलपमेंट पे बात करें तो हमें बोट्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे जो हैं वो फौरी तौर पर रिप्लाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक के ऊपर बोट्स हैं, फेसबुक के बॉट्स की मैं क्या बात करूँ यार, वो सही नहीं है बिल्कुल भी। मुझे बॉट्स पे कोई ट्रस्ट नहीं है ज़्यादा। उसकी रीज़न ये होती है कि वो आपकी कॉम्प्लिकेशन या एल्गोरिदम को समझ नहीं सकता। मोस्टली हम बातें जो कर रहे होते हैं फिजिकली तौर पर, अगर किसी इंसान के साथ बात करें तो वो अंडरस्टैंड करता है कि यार ये कहना क्या जा रहा है। तो अगर हम किसी बॉट के साथ बात करते हैं तो वो हमारे जैसे अल्फाज के ऊपर गौर करता है और हमारी फीलिंग या हमारी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो इस वजह से मुझे ये जो है बॉट्स ये मुझे पसंद नहीं है। तो सेकंड इसके बाद जो है चैटबॉट जो है डेवलपमेंट, इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, टेलीग्राम आ जाती हैं, वर्डप्रेस आ जाता है और टिकटॉक आ जाता है। गेम डेवलपमेंट में दो कैटेगरी हैं, जस्ट PC गेम्स हैं और जो है एंड्रॉयड गेम्स हैं। एंड्रॉयड गेम का पता ही है आपको कि यार एंड्रॉयड गेम ऐसी गेम्स हैं जो कि हम मोबाइल के ऊपर या एंड्रॉयड या एप्पल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। PC गेम जो है वो हम मोबाइल के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, वो जस्ट कंप्यूटर के ऊपर ही हम यूज़ करेंगे। तो इस वजह से ये जो है आपको पता होना चाहिए कि PC गेम का तो बिल्कुल अलहदा है, यानी कि वो विंडो बेस होते हैं और दूसरे जो है गेम्स ये एंड्रॉयड बेस होती हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप हैं, ये जो 3-4 कैटेगरी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर तफसीली इसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं। कि फॉर एग्जांपल स्पोर्ट है, IT है आ जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी में फाइल कैसे कन्वर्ट करना है, फाइल को कैसे सेव करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं।
तो इसके ऊपर अभी आपने गौर फिक्र करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे और डिजिटल मार्केटिंग की जो कैटेगरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मोर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।